सुनील हालांकि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज और व्यूज। आशा है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज मैं बात करूंगा क्रिकेट पिच पर कार की। कल एक खबर आई थी कि एयरफोर्स मैदान पालम में एक मैच चल रहा था रणजी ट्रॉफी का, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में, और उसमें एक शख्स करीब 4:30 बजे अपनी कार लेके स्टेडियम के अंदर आया और सीधा पिच पर पहुंच गया। वहां उसने पिच के कुछ राउंड लगाए, खिलाड़ियों से मिला, और फिर जब वापस जाने वाला था तो सिक्योरिटी फोर्स ने भागते हुए उसको पकड़ लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि किसी खिलाड़ी को कोई चोट नहीं आई। ये घटना क्रिकेट पिच पे दर्शकों के जाने की घटना ये रिसेंट पास्ट में तीसरी है। इससे पहले कानपुर के वनडे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हो रहा था उसमें एक दर्शक सिक्योरिटी का घेरा तोड़ के विराट कोहली से मिलने पिच पे पहुंच गया था। और उसके बाद दूसरी घटना जब हुई अभी यहाँ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच में, जब जिसके कि आखिरी ओवर में एक दर्शक आशीष नेहरा के पांव छूने के लिए पहुंच गया। ये दो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हुई और ये जो पहली घटना है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हुई है। इसमें थोड़ा फर्क यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इसको तो सिक्योरिटी बीच माना जा सकता है, लेकिन ये जो पहली घटना है जो दिल्ली में रणजी ट्रॉफी मैच में हुई है, ये हमारी गंभीरता को बताता है कि किस तरह से हम डोमेस्टिक क्रिकेट को हम लेते हैं और बोर्ड लेता है। बोर्ड किसी भी मैदान पे जहां पे पूरी व्यवस्थाएं नहीं होती है वहां पे मैच अलॉट कर देता है और सिक्योरिटी आदि का भी कोई उस पर विशेष ध्यान नहीं लिया जाता है। रणजी ट्रॉफी प्रथम श्रेणी क्रिकेट है जिसका जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद उसका नंबर आता है, और इसी ये क्रिकेट के भारत में नर्सरी और इसी से सारे बड़े बड़े खिलाड़ी निकलते हैं, क्योंकि लार्जर वर्जन ऑफ क्रिकेट में असली क्रिकेट होती है और ग्राइंडिंग के बाद निखर के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं। लेकिन बोर्ड का आजकल सीधा सीधा बात है कि क्रिकेट को उन्होंने ग्लैमराइज कर दिया है और वो उन मैचों पर ही ध्यान देता है जिसपे उसकी कमाई होती है, जैसे कि IPL, वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस। बोर्ड को यदि क्रिकेट के स्तर को बनाए रखना है तो डोमेस्टिक मैचों पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो भारत में सचिन तेंदुलकर और कपिल देव, सुनील गावस्कर आदि खिलाड़ियों का निकलना बंद हो जाएगा। तो ये तो रही बात बोर्ड की दृष्टिकोण से। दूसरी बात है जो कि दर्शकों के दृष्टिकोण से, हम भारत में दर्शक भी जहां ग्लैमर नहीं होता है, जिस मैच में ग्लैमर नहीं होता है, हुआ नहीं होता है, हम उसे देखने नहीं जाते हैं। इसके विपरीत अगर आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में देखें तो वहां पे काउंटी क्रिकेट में भी उतने ही दर्शक आते हैं जितने टेस्ट मैच में आते हैं, और यही हाल ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड का है। वहां भी स्टेडियम भरे रहते हैं शेफील्ड शील्डों के मैचेस में, क्योंकि क्रिकेट या खेलों के दौरान सिक्योरिटी के बारे में एक और एस्पेक्ट यह है कि भारत में जो सिक्योरिटी के पर्सनल मैच के अंदर डिप्लॉयड होते हैं वो मैच का लुत्फ उठा रहे होते हैं। उनकी नजर जो कि दर्शकों पे होनी चाहिए वो नजर उनकी मैच पे होती है, और जब कोई इस तरह से सुरक्षा घेरा तोड़ के बाहर निकलता है तो फिर कुत्ते बिल्ली का खेल हमको की दौड़ हमको मैदान पे नजर आती है। इसके विपरीत अगर आप विदेशों में देखें तो जो सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं उनकी नजर दर्शकों पे होती है ताकि वो किसी भी अनटूवर्ड घटना को वहीं रोक सके, उसका इफेक्ट मैदान पे नहीं आ सके। मेरे दो टेक्स हैं इस पे, आपके क्या विचार हैं बताइएगा मुझे कमेंट्स में, और मेरा चैनल यदि आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।